इंडिया उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। जी सर, मैं धनंजय नाम है मेरा, बेलगावा गांव से हूँ। ठंडा ब्लॉक लगता है। जी, कौन से चैनल पर काम करते हैं? तीसरी आंख न्यूज़ टीवी सर। तीसरी आंख न्यूज़ टीवी में आपके साथ क्या घटना हो गई? सर, मैं कवरेज करके घर आ रहा था, घर वापस जी। तो सर उसमें जो है दो दबंग लोग आए और मुझे सर दोनों लोगों ने सीने में तमंचा अड़ाया और दोनों लोगों ने बुरी तरह से मारा। तो गांव के ही व्यक्ति हैं? जी सर, दोनों लोग गांव तो के। किस मामले को लेकर कहा सुनी हुई? सर, दो तीन बार उनके खिलाफ कवरेज किया था, खबर लगाई थी। बालू माफिया है वो। अच्छा, गुंडागर्दी करते हैं सर। और सर मुझे दोनों लोगों ने मारा और तमंचा अड़ा दिया, दोनों लोगों ने बुरी तरह से मुझे मारा। तो वहाँ के जो प्रत्येक मूल निवासी हैं उन लोगों के साथ हमेशा इस तरीके का ये लोग बर्ताव करते हैं? जी, सभी के साथ इसी तरह करते हैं और आने के लिए कह रहे हैं शिकायत करोगे तो दोबारा मारेंगे और जान से मारने के लिए धमकी जो इनके खिलाफ आएगा उसको जान से मारने की धमकी देते हैं। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं पूरे परिवार को। आपने कहाँ शिकायत की अपनी? सर, मैं चौकी इंचार्ज के पास गया और बिसंडा थाने में गया और यहाँ एसपी अपर एसपी साहब से अभी मुलाकात की। तो चौकी इंचार्ज जी महोदय जी ने है आपसे क्या आश्वासन दिए आपकी कार्रवाई करने के लिए? उन्होंने पूरी तरह से मेरे आश्वासन दिया है कि कार्रवाई पूरी अच्छी तरह से होगी, लेकिन थाना के साहब जो है अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया। थाना प्रभारी आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे? जी, अभी तक नहीं किया। क्यों नहीं लॉन्च कर रहे? उसके अभी तो साहब उनके पास कोई बड़ी दबाव आ रहा है, कोई पॉलिटिक्स जो है उनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया। अच्छा, तो एसपी अपर एसपी से आप जो मिले उन्होंने क्या कहा? जी, आश्वासन दिए हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा और उचित कार्रवाई की जाएगी, आपको इंसाफ दिलाया जाएगा। जी जी, तो ठीक है, आप संतुष्ट रहेंगे इस बात से? जी सर, अगर कार्रवाई की जाती है तो संतुष्ट रहेंगे। ठीक है जी सर। जो माफिया है उनके नाम आप बता सकते हैं? जी सर, जितेंद्र तिवारी पुत्र मैयादीन तिवारी है और एक अनूप तिवारी पुत्र जानकिशन तिवारी है। अच्छा, ये तीन लोग हैं? जी, दो लोगों ने। दो लोग हैं जी सर। दोनों की मिली भगत से काम होता जी, है? दोनों लोगों ने मिली भगत से मार। तो बालू का काम तगड़ा काम इनका जी, चलता है? चोरी से काम करवाते हैं, दो नंबर का। जी सर, और कहते हैं पुलिस के साथ उठना बैठना है और बड़े बड़े नेताओं के साथ संपर्क है मेरा। तो पुलिस का मामला इनके साथ रहता है, पुलिस की ये लंगोटिया या लगते हैं? जी जी सर। इसका मामला यही समझ आ रहा है कि ये पुलिस से मिली भगत होने के कारण आपको दबाव पे लेते हैं कि पत्रकार हैं ये दब जाएं और हमारी कवरेज ना करें, हमारे खिलाफ ना लगाएं खबर? जी सर जी, यही मामला आ रहा है। जी, यही मामला आ रहा है और परेशान किए साहब, एक साल से मुझे परेशान कर रहे हैं, कभी गाली देते हैं, कभी रास्ता रोकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं झगड़ा किया, लेकिन इस बार मारना। आगे चल के हो सकता है बड़ा अंजाम हो सकता है, बड़ी घटना घट सकती है। धमकी दिए हैं और घर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ठीक है, इन लोगों के साथ तो कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग भी अधिकारियों से बात करेंगे। जी सर जी।